हेलो दोस्तों, मैं हूँ कोमल और मैं आज आपको मेमोरी के बारे में पढ़ाने वाली हूँ। नॉलेज विद कोमल में आपका स्वागत है। उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए। तो देखते हैं दोस्तों, मेमोरी इट इज़ अ स्टोरेज डिवाइस डेट यूज़ द इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन को सेव करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है मेमोरी का। मेमोरी में हमारा डेटा, इंफॉर्मेशन, पिक्स वगैरह सेव होते हैं। और मेमोरी दो प्रकार की होती है, पहली प्राइमरी और दूसरी सेकेंडरी। प्राइमरी मेमोरी को इंटरनल मेमोरी भी बोलते हैं और सेकेंडरी मेमोरी को एक्सटर्नल मेमोरी बोलते हैं। प्राइमरी मेमोरी हमारे 5 प्रकार की होती है, जैसे 5 टाइप होते हैं उसके, रैम, कैच, सिक्वेंशियल, एक्चुअल, रोम। और रैम रैम के वापस 2 टाइप होते हैं, एस रैम और डी रैम। और रोम के वापस 4 प्रकार होते हैं, एम रोम, पी रोम, ई रोम, ई पी रोम और ई पी आर रोम। इसकी फुल फॉर्म आगे देखते हैं। उसके बाद अपनी सेकेंडरी मेमोरी होती है एक्सटर्नल मेमोरी, वो भी 3 प्रकार की होती है, जैसे सॉलिड स्टेट, मैग्नेटिक, ऑप्टिकल। ठीक है, इसके बाद हम प्राइमरी मेमोरी क्या होती है वह देखते हैं। प्राइमरी मेमोरी होती है जैसे डेटा स्टोर इज मेमोरी इज कॉल्ड द प्राइमरी मेमोरी। सीपीयू यूज फर्स्ट मेमोरी। ये एक सीपीयू की फर्स्ट मेमोरी होती है जिसमें डायरेक्टली डेटा स्टोर हो जाता है। और जैसे रैम, रोम, रैम, कैच, वर्चुअल, सिक्वेंशियल एक्सेस, ये सारी अपनी प्राइमरी मेमोरी में ही आती हैं और डेटा डायरेक्ट स्टोर हो जाता है, वह प्राइमरी मेमोरी होती है। और सेकेंडरी मेमोरी वो होती है एक्सटर्नल मेमोरी, जिसमें जिसके थ्रू हम बैकअप ले सकते हैं। और जैसे हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क, सीडी, डीवीडी, पेन ड्राइव, ये सारी अपनी सेकेंडरी मेमोरी होती है। इसके बाद रैम और रोम के बारे में पढ़ते हैं। तो रैम जो होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है और इट इज़ अ प्राइमरी मेमोरी। और ये रैम जो होती है 256 GB से 2 GB तक इसमें स्पेस होता है और सीपीयू डायरेक्ट इसमें स्टोर करता है। रैम इज़ वोलेटाइल मेमोरी, टेम्प्ररी स्टोरेज होता है। ये वोलेटाइल मेमोरी होती है, इसमें टेम्प्ररी स्टोरेज होता है, टेम्प्ररी स्टोर होता है डेटा। और रैम के वापस 2 टाइप होते हैं, एस रैम और डी रैम। इसके बाद रोम के बारे में पढ़ते हैं। रोम रीड ओनली मेमोरी फुल फॉर्म है इसके। इट इज़ अ नॉन वोलेटाइल मेमोरी। रोम इज अ लो स्टोरेज कैपेसिटी। रैम में स्टोरेज कैपेसिटी लो होती है, दैट रेंज फ्रॉम 4 to 8 MB। रोम इज अ परमानेंट मेमोरी। रोम एक परमानेंट मेमोरी है जिसमें अपना डेटा सिक्योर रख सकते हैं। अब देखते हैं रोम के टाइप्स देखते हैं, जैसे 4 टाइप की होती है। पी रोम होती है तो प्रोग्रामेबल रोम बोल सकते हैं। ई पी आर रोम होता है उसे इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम। ई पी रोम इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम। ई ए पी रोम तो इलेक्ट्रिकली अल्टरेबल प्रोग्रामेबल रोम, रीड ओनली मेमोरी। तो ये है इनकी फुल फॉर्म। अगर दोस्तों आपको इसका नेक्स्ट पार्ट देखना है तो मेरे चैनल पे कमेंट कीजिए। तो अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो दोस्तों में भी शेयर कीजिए। और ऐसी ही वीडियो, इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए आप मुझे कमेंट में बता सकते हो।